So hey guys, welcome back to our new video. Today we are going to show you in BillPro software how to add new accounts and your customer database as well as your supplier detail. So we can start here. सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कैसे customers add करते हैं और कैसे supplier add करते हैं, तो उसके बाद सेल परचेज एंट्री कैसे करते हैं, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कोई भी बिलिंग सॉफ्टवेयर के अंदर। तो ये अपना अकाउंट का फॉर्म है, इसके अंदर आपको क्या करना है, मास्टर पे जाके सीधा मास्टर के अंदर अकाउंट आईडी करके ऑप्शन है, उसके अंदर आपको जाना है और उसी के अंदर आपको कस्टमर्स या सप्लायर के डिटेल्स जो है वो फीड कर लेने हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कस्टमर का सप्लायर का नाम डालते हैं, तो गोपाल सिंह यादव हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया है और ग्रुप में हम लोग सिलेक्ट करते हैं कि कस्टमर्स। यहाँ पे हम लोग उनका ओपनिंग बैलेंस डाल रहे हैं 1500 रुपया और यहाँ पे डेबिट क्रेडिट दोनों ऑप्शन रखे हैं, तो दोनों ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं एज वेल एज आप उनका एड्रेस भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप उनका एड्रेस डाल दीजिए, जैसे कि हम लोग यहाँ पे टाइप कर रहे हैं थाने मुंबई करके, वहाँ उसके बाद हम लोग सिलेक्ट करते हैं स्टेट कोड 27 महाराष्ट्र और मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें इसेंशियल है। उसके बाद आपको बारी बाकी की जितनी भी डिटेल्स है, अगर आप फिल करना चाहते हैं तो आप फिल कर सकते हैं, जैसे कि जीएसटी नंबर, पैन कार्ड, आधार कार्ड नंबर, तो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेव करके ऐड कर लेना है, तो यहाँ पे देखिए आपका नया कस्टमर्स ऐड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जाएंगे सेल्स में, सेल्स में हम लोग यहाँ पे कस्टमर का नंबर या नाम डाल के उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने गोपाल डाल दिया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि वो सिलेक्ट हो चुका है। अभी मैं बिलिंग विंडो में बारकोड से या नाम से कुछ भी प्रोडक्ट सर्च करता हूँ तो यहाँ पे सर्च हो जाएगा, जैसे कि साड़ी मुझे बिल करनी है तो मैंने साड़ी सिलेक्ट किया, क्वांटिटी डाला और एंटर कर दिया, तो प्रोडक्ट ऐड हो गया। 5000 रुपीज का है तो मैं इसका सेल प्राइस कम ज़्यादा कर सकता हूँ। ओके, देन उसके बाद आपको यहाँ पे सेव करना है और आप यहाँ पे क्रेडिट पे क्लिक करेंगे, सेव करने के बाद आपको प्रिंट पे क्लिक करना है, तो ये जो बिल है वो कस्टमर के क्रेडिट अकाउंट में चला जाएगा। आप इसको कैश और अदर पेमेंट ऑप्शन से सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे लिस्ट में हमने देख लिया है कि ये बिल जो बन चुका है प्रिंटर कनेक्ट न होने की वजह से ये बिल प्रिंट के इसमें चला गया। अभी वाउचर एंट्री में जाके हम लोग देखेंगे कि क्या उनका क्रेडिट कितना है। तो पेमेंट डिटेल में मैं गया, फिर फ्रॉम अकाउंट में मैंने सिलेक्ट किया गोपाल सिंह यादव, उसके बाद मैंने एंटर किया उनके नाम को, तो यहाँ पे उनका पहले का बिल, पहला बिल जिसका अमाउंट था 8400 और 1500 रुपये हम लोगों ने जो ओपनिंग बैलेंस उनका डाला था वो यहाँ पे शो हो चुका है। तो आप कैश अकाउंट में या कंपनी अकाउंट में उसका पेमेंट ले सकते हो सीधा। तो यहाँ पे हमारा कोई कंपनी अकाउंट अभी क्रिएटेड नहीं है, तो मैं अपना पर्सनल अकाउंट से यहाँ पे सिलेक्ट करके उसके अंदर ये पेमेंट ले रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे प्रशांत डाल दिया, यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे मैंने अमाउंट डाल दिया है। अभी अमाउंट डालने के बाद हम लोग समझो यहाँ पे 5000 रुपीज डालते हैं, तो मोड ऑफ पेमेंट कैश रखते हैं और यहाँ पे हम लोग सेव करके अप्रूव कर देंगे और ऐड कर देंगे। जैसे हम लोग ये करते हैं तो ये उनके बैलेंस में से कट जाता है।